हेलो गाइस, वेलकम टू माय बी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जाने हैं बाबा की नगरी महाकाल में। तो इस टाइम मैं निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और सामने मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, देख रहे हैं S3 कोच नंबर मेरा। तो गाड़ी रुकते अंदर बैठते हैं और इसका टाइमिंग है 8:40 पर। तो जैसे जैसे इसमें आपका यात्रा होती जाएगी मैं बताता जाऊँगा। तो भगवान आपकी मनोकामना जब भी पूरे, आप भी महाकाल एक बार अवश्य पहुँचें। तो हम तो सीधे ट्रेन में बैठने वाले हैं और मेरे दो साथी हो रहे हैं। भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी आ चुकी है, सामने देखिए। और थोड़ी देर में हमारे डब्बे S3 में हम बैठेंगे, फिर यहाँ से सफ़र शुरू होगा महाकाल का। जय महाकाल। गाड़ी आ चुकी है, हमारे मिलने वाले जो साथी मित्र हैं वो भी आ चुके हैं। प्रणी नमस्कार, क्या हाल है? जय महाकाल की। और गाड़ी हमारी आ चुकी है। तो आप कौन कौन जा रहे हैं उस टाइम? ये बेटा जा रहा है और भैया कौन है? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बेहतरीन। महाकाल आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें। सीधे हम जल्दी बैठने वाले हैं ट्रेन में, तो चलते हैं सीधे। जय महाकाल। ये हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू होने वाली 700 किलोमीटर है। ये 8:40 पर चलेगी और सीधे ही 5:40 पर आपको भोपाल जंक्शन पर उतार देगी। तो बहुत बेहतरीन गाड़ी और काफ़ी स्पीड से चलने वाली गाड़ी है, तो जल्दी ही आप इसका आनंद लीजिए। उसका डब्बा खुल चुका है, सीधे अंदर लेके चल रहे हैं। नहीं चालू करी उन्होंने वाली है, जब चलने का टाइम होगा। इस टाइम हमारी गाड़ी स्टार्ट हो के प्रस्थान हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। ये देखिए आप, अब कुछ ही क्षण में बहुत तगड़ी स्पीड पकड़ने वाली है ये। आ जाओ, रह जाओगे नहीं तो रह गए यार। ये हमारा पहला स्टेशन ओखला आ गया है, जो कि यहाँ पे गाड़ी रुकेगी नहीं, कम होके तेज चल देगी फिर दोबारा। इसके बाद सीधे दिल्ली, जो हम निजामुद्दीन से चले हैं, सीधे ये रुकेगी आपका आगरा कैंट पे, यानी कि 188 किलोमीटर दूर जाके इसका पहला स्टॉपेज आएगा। मिलते हैं नए स्टैंड पे। तो भाइयों नमस्कार, आज सुबह हो चुकी है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और ये देखिए सुबह ट्रेन का आगान नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है। सारी रात बारिश हुई है और गाड़ी 2.5 घंटे लेट। बहुत ख़तरनाक जंगल से निकल रही है और गाड़ी की स्पीड देख के आगे ला सकते हैं, कितनी तेज़ चल रही है। टाइम मैं बिना जंक्शन का आ चुका हूँ, गाड़ी 3.5 घंटे लेट है। और सुबह सब घूमते हैं यहाँ पे आके, और अभी जो टाइम था 5:40 पहुँचने का, तो सीधे ही 9:30 बजे पहुँचेगी गाड़ी यार। देखते हैं कैसा क्या टाइम लगता है। सामने मेरी गाड़ी खड़ी देख रहे हैं आप ये। भाइयों, रेल से सफ़र करने का आनंद ही कुछ और है। आप पूरा आनंद केवल ट्रेन में ही ले सकते हैं, ना कि बस में या फिर आप किसी अदर अपनी गाड़ी में भी। जो ट्रेन का मज़ा है वो किसी में नहीं है। फाइनली गाइस, हम इस टाइम भोपाल में उतर चुके हैं। तो अब यहाँ से दूसरी ट्रेन देखेंगे,
5 घंटे का सफ़र है, चेयर कार मिली है, तो अब देखते हैं 3 घंटे कैसे टाइम बीतेगा। तो फाइनली मैं इस टाइम उज्जैन जंक्शन पर उतर चुका हूँ मैं, और सीधा आप चलेंगे कोई सवारी करके होटल पे, सामान वामान रखेंगे, फ्रेश होंगे, इसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे रात को 12 बजे करीब। तो वहीं चलते हुए मैं स्टेशन से निकल रहा हूँ बाहर, बहुत समय ले लिया इसने, तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद होटल में। जय महाकाल, जय महाकाल। अब ये इस टाइम आप मंदिर वाले मार्ग में चल रहे हैं और किसी धर्मशाला या होटल में रहने की व्यवस्था करते हैं, तो चल दिए हैं सीधे, धीरे धीरे पैदल ही चलना पड़ रहा है। स्टेशन से मात्र 200 मीटर दूर के अंदर से कट से मुड़े हम, पैदल सवारी ना करके हमने पैदल ही मारते हैं दौड़, और वहीं पे चल के किसी होटल में देखते हैं, इसके बाद क्या करना आगे उसके बारे में बताएंगे, कैसे दर्शन करने हैं। फाइनली मेरे को हमारे को रूम मिल चुका है होटल में, तो ये हमारा रूम है। ये आ गए हैं मजनू की ढीला, 4 जने हम, तब थोड़ी देर आराम करके इसके बाद आराम फ्रेश करके आराम। जय महाकाल, सुबह की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। और इस टाइम हम नहा धो के दोबारा फिर इस टाइम माता भारत माता मंदिर के सामने हैं, इस टाइम हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, क्योंकि रात को दर्शन हो नहीं पाए थे इसलिए दोबारा वापस आए थे। फिर दोबारा एक बार कोशिश करी हमने कि दर्शन कर आएँ। महाकाल, तो इस टाइम हम चंद नागेश्वर के दर्शन करने के बाद में अब बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हुए हैं, तो सीधे ही मैंने एंट्री कर चुका हूँ मैं, अब सीधे मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं। वहाँ तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक कैमरा जाए वहाँ तक जरूर लेके जाएंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है भाई, यहाँ बता रहे 20-21 दिन हो गए धूप के दर्शन नहीं हुए, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, तो इसके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद था है कि धूप में हमें परेशान नहीं होना पड़ा। दर्शन जो चंद्र नागेश्वर के दर्शन हुए हैं वो हमारे 8 घंटे में हुए हैं, यानी 2:45 बजे लगा था और 11:15 बजे दर्शन होके निकले हैं। पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन बाबा की कृपा से दर्शन अच्छे हो गए। जय महाकाल, अब चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने। आप लोगों से निवेदन है अपने जूता चप्पल जूता स्टेट पर उतारे, इधर उधर उतार कर मंदिर की व्यवस्थाओं को ना बिगाड़े। सामने देखिए महाकाल का महालोक, एंट्री में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हो कुछ हम क्षणों में बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, वीडियो में आस लगा के बैठे रहिए, वीडियो को छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो इस टाइम हम प्रांगण में घूम रहे हैं, ये महाकालेश्वर मंदिर महाकाल। जय जय महाकाल, हर हर महादेव। सामने महाकालेश्वर के मंदिर के मेन गेट पर आ चुके हैं, ये
जय महाकाल। महाकाल के दर्शन करने के बाद ये हम आपको यहाँ के महाकाल के कॉरिडोर जो बनाया गया है वो दिखा रहा हूँ मैं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति नक्काशी की गई है पूरे ग्राउंड में, जो इन्होंने कॉरिडोर में एक से एक मंदिर मूर्ति बनाई है, तो आप देखिए उसका आनंद लीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये महाकाल की झील है, बहुत बड़ा स्नान घाट है यहाँ पे, लेकिन नहाते नहीं, पानी रोक के झील बनाई गई है। तो हमने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं सामने, ये देखिए सामने महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। और ये नया कॉरिडोर बनाया गया, आप देख रहे हैं कितना सुंदर और बहुत बेहतरीन बना हुआ है। सामने पुल तैयार हो रहा, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, उसका आनंद लीजिए। जय महाकाल। आपको वीडियो देख के बहुत ही आनंद आ रहा होगा। ये महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ मैं, और सामने कॉरिडोर में इस टाइम में घूम रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर हर हर महादेव भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई है शेषनाग के साथ में। समुद्र मंथन हो रहा है जब जो विष निकाला गया था। सामने देख रहे हैं भोले बाबा की बारात, गौरा पार्वती को शादी ब्याह रचाने जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं पीछे का नज़ारा बादल के कारण कितना सुंदर लग रहा है। हर हर महादेव, नंदी महाराज, यमराज पे, यमराज भैंसे पे बैठे हुए हैं। भोले बाबा अपने गुस्सा वाली मुद्रा में है, उन्होंने तीनों नेत्र खोले हुए हैं। ये देखो यहाँ पे कॉरिडोर के सामने अंदर बहुत ही सुंदर झील बना रखी है, इसमें पानी अभी डाला जाएगा, तैयार हुई है। और आप सामने देखो ये रेगुलर झील यानी छोटी मोटी झील बनाई है, जो खाली यूज के लिए नहीं है, ये खाली दिखावटी के लिए है। तो ये झील भी चार चांद लगाती है इस पार्क में। देखो सामने, देखो कॉरिडोर के सामने आके एक चीज़ कितने सुंदर दृश्य देखने मिल रहे हैं। ये ऋषि मुनि है हमारे धरती के, आन बान और शान जिनके कारण धरती टिकी हुई है। और बीच में देखो हमारे भोले बाबा की प्रतिमा कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये सामने देखो कितनी बेहतरीन झील दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी समुद्र या सागर किनारे पहुंच चुके हैं। हाँ रह गया क्या? ये देखो हमारे सामने ऋषि मुनि जी, कितनी सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए सामने, आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, वे मिलते हैं। और ये देखिए हमारे सामने देव का देव, प्रथम देव श्री गणेश महाराज जी, कितनी सुंदर प्रतिमा है, दर्शन कीजिए आप और धन्य हो जाइए। और दूसरी मूर्ति सामने दिखाई दे रही है, ना सुंदर रथ की प्रतिमा बनाई गई है। और सामने ये देखिए हमारे प्रभु श्री राम। तो मैं इसी के साथ में वीडियो का समापन करता हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय महाकाल।